हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और वेलकम इस बात पे भी है कि मैंने सोचा आपसे मैं वेलकम करूँगी अपने नाम और अपने हस्बैंड के नाम लेके। तो वेलकम बैक टू माय चैनल सागर प्रिया चैनल। तो आप सभी का स्वागत है सागर प्रिया चैनल में। और आज है बृहस्पति। तो बृहस्पति की सुबह मैंने इनको लंच में बना के दे दिया है। मुझे लंच की टेंशन नहीं है क्योंकि इन्होंने प्याज और टमाटर की चटनी, इनको इतना अच्छी लगती है तो उन्होंने कहा कि प्याज टमाटर की चटनी बना दो। तो प्याज टमाटर की चटनी उनको बना दिया मैंने। और दीदी के लिए मैंने बनाया तहरी। तो सुबह भाई दो चीज़ बन चुका है हमारे घर में खाने की। ऐसे थोड़ी थोड़ी सबको, मतलब सबको अलग अलग है आइटम। तो इनको बनाया मैंने तहरी, इनके लिए चढ़ा दिया है। और उनको मैंने प्याज टमाटर की चटनी दे दिया है, बस उनके लिए बनाया था थोड़ा सा, वो बनता भी थोड़ा सा ही है। और चाय भी मैंने बना के पी लिया है, चाय भी बना के मैंने पी लिया। अब मैं सोच रही हूँ अब मैं किचन में नहीं आऊँगी, अब होगा नाश्ते की तैयारी, वो करेंगी दीदी। अब चाहे जो भी बनेगा, अब मैं सोच रही हूँ मैं करूँगी झाड़ू पोछा की तैयारी, क्योंकि सुबह झाड़ू पोछा करके रख दो तो बहुत आसान रहता है, बहुत काम हल्का भी हो जाता है। एक तो बच्चे परेशान नहीं करते, बच्चे सो रहे हैं अभी भी। तो ज़्यादा बात नहीं करूँगी, मैं करती हूँ काम स्टार्ट, फिर मिलते हैं आप लोगों से काम करने के बाद। भाई झाड़ू पोछा हो चुका है और बेड भी मैंने ठीक कर दिया है। और दीदी बना रही है नाश्ते की तैयारी। क्या बना रही सब्जी? अरी बना रही हूँ। एग्जॉस्ट की आवाज़ आ रही है, मशीन लगाना है तो मशीन अभी लगाऊंगी। ऊपर जाना था तो भाई साहब उठ गए, मतलब कायरू उठ गया, कायरू के चक्कर में ऊपर जा नहीं पाई। और अभी बजे 10:30 हो रहा है तो मशीन लगा लूँगी। नाश्ता वास्ता करने के बाद ही नहाऊँगी तो पूछताछ से मतलब काम हो गया, वो सबसे बड़ा टेंशन हो गया। और भाजी बीनना है तो सोच रही हूँ तो भाजी बीन लेती हूँ बैठे बैठे। तो भाई मम्मी लेके आई हैं कुछ कुछ चीज़ें, जैसे कि नमकीन लेके आई हैं। और क्या है, ये पापा को देना है दाल, ये सुबह खाएंगे वो। और बूंदी नहीं था, बूंदी मंगवाई हैं। सूजी तो रखा था, सूजी लेके। और ये क्या चीज़ है, ये नहीं देखा मैंने। ड्राई फ्रूट नाश्ता ले लिया हमने, अरबी की सब्जी। और ये क्या लिया है कायरू ने, बड़े वाले बेसन की नमकीन। अच्छा लगता मेरे बेटे को? हाँ नहीं अच्छा लगता, लो मम्मी लो आराम से। क्या ये रोब जा, कैसा लगता है रोब से पी के, कैसे लगा आपको? पानी पी लिया बस। कौन आ गार्ड वाले भाई साहब आ गए क्या हमारे पास? देखो तो, अरे बाप रे। तो भाई नाश्ता पानी हो चुका है, दीदी आ चुकी है किचन में। और झाड़ू पोछा तो हो ही गया था, नहाए धोए नहीं है कोई भी। और देखो 12:30 बज गया और कपड़े धुल चुके हैं। कपड़े पहले मैं डाल देती हूँ, उसके बाद दोबारा झाड़ू लगेगा, क्योंकि नाश्ता पानी हुआ तो फिर से उन्होंने गंदा कर दिया घर। कपड़े लेके आ चुकी हूँ बाहर और टेस्टिंग के दोनों कपड़े गिर गए। पीहू कपड़े सुखवा दिए आपने? जाओ, बच्चों ने आज मेरे साथ कपड़े सुखवाए हैं, कपड़े डलवाए, कपड़े डाल चुकी हूँ। सीटी कौन बजा रहा है ये हैं? ये पीहू दीदी? अच्छा भाई उनकी। कैसे तुम लोग अलमारी खोल के बैठे हो? एक एक डिब्बा विब्बा लेके अभी मम्मा ने अभी लगाया। और पिटाई लगेगी आप लोगों को, पिटाई लगेगी। सुनो बात, ये बड़ी वाली तो और है, रखो रखो दाल वाला रखो, रखते हो कि पापा को फोन लगाओ? हैं क्यों नहाने के, किसने बोला आप लोगों को? हैं तो नहाने के बाद मैं आई हूँ 2 घंटे बाद आप लोगों के सामने। नहाने के बाद ऐसी नींद आई कि मैं 2 घंटे तक सो गई थी। और दीदी ने खाना वाना बना के रखा, खाने बनाया आलू की सब्जी, आलू की सब्जी है। और पापा को खाना दे दिया, पापा को खाना दे दिया उन्होंने। और बच्चे आज सब सो रहे, आज जानू दीदी भी सो गई हैं। और ये क्या कहने जा रही हो? पहुँच गए? अच्छा रायता बना रही दीदी। मम्मी को देख लेती हूँ खाना, मतलब नहाया कि नहीं खाना है, फिर सब खाना लेके बैठ जाते हैं। इतनी नींद आ रही थी आज, मम्मी नहा ही रही है, मम्मी नहा रही है।
खाना निकाल के रख लेते हैं, मम्मी को ज़्यादा टाइम नहीं लगता नहाने में, और जब तक तो खाना नहीं खाऊंगी तो एनर्जी भी नहीं आएगी बात करने की, तो खाना खा के मिलते हैं आप लोगों से। तो खाना पीना हो चुका है और चावल बचे तो शाम को चल जाएगा, चावल बहुत है तो इसलिए मैंने कुकर खाली नहीं किया, बर्तन वगैरह धो के रख दिया है। और बिनना है भाजी, भाजी आ जाओ, ये है भाजी, मगर नहीं बिनूंगी तो ख़राब हो जाएगी, मैंने कहा बीन के रख देती हूँ। कपड़े भी शाम के उठा के तय करके रख दिया मैंने, बच्चा भी सो रहे, तो भाई भाजी बीनते बीनते इतना लेट हो गया था कि कायर उठ गया, और उसके बाद जब भाजी काटने की बारी आई तो बारिश आ गई, तो बच्ची कुछ जो कपड़े थे दीदी के वो उठाए, बिन मौसम बारिश भाई दिख भी नहीं रहा है यहाँ तो यार। पियू को भिगा देंगे बारिश में, पापा पापा हरे राम, कितनी तेज बारिश हो रही है। चलो गर्मी भी बहुत हो रही है, पर ये थोड़ा बरस जाए तो उमस कम होगी, वरना तो फिर उमस बहुत ज्यादा कर देगा ये, है ना जाना दीदी, आ जाओ कपड़े उठा के रखे उनके, काट रही थी भाजी। और यहाँ तैयारी करके रखा है दीदी ने गुलगुला बनाने की, क्योंकि मम्मी की डिमांड है कि थोड़ी सी गुलगुला बना दो। गुलगुला बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं जानते, आटा का बनता है, आटा गुड़, हाँ गुड़ आटे का बनता है। अभी थोड़ी भीगे होगा ना, चलो जब तक मैं भाजी फटाफट काटू फिर मेरा पूजा करने का टाइम हो जाएगा। तो भाई घर में बन रहे रसगुल्ले नहीं गुलगुले, आप भी धोखा खा गए ना आप लोग भी। और यहाँ चल रही इनकी स्नैक्स की तैयारी, ये दोनों लगे किचन में, और मेरा भाजी कहाँ रह गया यार, भाजी भाई भाजी अभी गिर जाता। आप लोगों से बात करते करते काफी सारा चीज मेरी ऐसा हुआ है कि बचा है, जैसे एक बार फैरू के टाइम में दाल मैंने भिगाया ही नहीं था, और भाजी मैंने वहां रख दिया था, बच्चे मिट सकते थे अभी भी। तो रसगुल्ले बन गए कि गुलगुले बन गए, गुलगुले गुलगुले गुलगुले। जेठानी लग रहा हंस हंस के पास बेरेट रोल नहीं बनाना आता, वीडियो बना लेंगे, वीडियो वाला आया है घर में। हंसने का कारण तो बताओ सबको, हैं बुआ ने क्या कहा जरा डुप्लीकेट करके बताओ, हैं क्या बोला था, ब्रेड पकोड़ा बना ले, ब्रेड रोल बना ले, ब्रेड रोल बनाना यार, ब्रेड रोल बनाना नहीं आता ना, चाय देख के बच्चों को इन लोगों को ऑफिस आने के बाद भूख लगती है, पापा ने कुछ बनाया देखते हैं क्या बना रहे। तो कार पापा बना रहे पोटैटो को, क्या बना रहे आप पता नहीं, ये अभी इन्हें पता नहीं, जब पता चल जाएगा तो हमें बता देंगे। ओके भाई हम जा रहे चाय एंजॉय करने, चाय पियेंगे उसके बाद खाने की तैयारी करेंगे। तो फिर पापा के लिए बनाया लस्सी और बना वो फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज या क्या बोलते हैं यार उसे, बाप रे कितनी तेज हवा चल रही है, आराम से जाना कभी कांच की गिलास गिर जाए दीदी पकड़ के। अरे दरवाजा बंद है इस रूम के, दीदी गई पापा को देने के लिए, आज बेटा अंदर आ बेटू, आ उड़ जाओगे अभी, बुला लीजिए देखो तो क्या हालत करा घर की इन लोगों ने, लसन पसन छील के। और यहाँ हम लोग बना रहे अरबी के पत्ते की सब्जी, इसकी रेसिपी मिल जाएगी मेरे चैनल पे आप लोगों को, कचड़े वाली। तो दीदी बना रही अरबी की पत्ती की सब्जी भाई, फर्स्ट टाइम मेरे सामने तो बन रही है, अब यही बता पाएंगे एक्सपीरियंस कैसी है फर्स्ट टाइम की। ततलेत बना लो ततलेत है दीदी, कैसे बोला था मैंने, कैसे बोला था हंसी आ गया एकदम से, तो एकदम से निकलती कभी कर ऐसी बातें, तो
मैं कर रही थी कुकर खाली, क्योंकि जगह नहीं बन पा रहा, छोटी सी किचन है और बर्तन वर्तन में धो के रख रही हूँ, सोच रही हूँ तब तक दीदी ये बनाती है। खाना पकड़ाया मैंने बच्चों के कायरू पापा के पास, मैंने कहा खिलाओ इन्हें खाना, खाना खा लो बेटा। यहाँ चल रही है बिल्कुल तैयारी इसकी। एक पे भाई दाल गरम करने रखा मैंने, और एक में रखा अंडे की सब्जी गरम करने, क्योंकि कायरू पापा और कायरू बुआ कह रहे दाल चावल खाएंगे, और अंडा रखा तो खा जाएंगी। और सब्जी बना लिया है अरबी के पत्ते की, फर्स्ट टाइम बनी। लोग ज़्यादा मतलब ज़्यादा क्या अभी तक खाया नहीं है, तो कह रही ये भी गर्म करके दे दो, मैंने कहा ठीक है खा लो। तो खाना पापा की मैंने ऊपर पहुंचा दिया, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा सा पेट में दर्द है उनकी, और कायरू पापा और कायरू बुआ को मैंने खाना दे दिया है। तो मैं आज की ब्लॉग यहीं समाप्त करती हूँ। आप सभी को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेरे तरफ से सबको गुड है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।